हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ आज मॉर्निंग 10 बजे से। अभी नाश्ता वास्ता बना लिया, आज मेहमान आए हैं उनके लिए नाश्ता ही बना रही थी सुबह से। बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, सब जने बैठे हैं यहाँ पे, दीदी जी लोग भी, ज्योति आई हुई है, तो अभी वो लोग आएंगे नीचे। और मौसम कुछ ऐसा हो रखा आज का जैसे रॉकी है। हाय रॉकी, हाथ दे, हाथ दे। बहुत अच्छा है, पर हम लोगों को पहचानता नहीं तो हमसे मतलब नहीं रखता, और भैया का बहुत ध्यान रखता। भैया और दीदी जो बोलते वही करता है। दीदी ने उसके लिए बिछा भी दिया है, बैठा आराम से। बोल हेलो गाइस, अभी मेहमान तो पहुंच चुके हैं, अभी चाची पकौड़ी तल रही है। अभी राजू भाई चाय बना रहे हैं, हमारा चीनी की जगह पे नमक डाल रहे हैं। गाइस मैंने भज्जी फ्राई करके रख दी है यहाँ पे, और हरी सब्जी बन रही है अभी, उसके बाद आटा लगा के भी रखा है, तो फिर बनाऊंगी पूड़ी। चाय नाश्ता लेके मेहमानों के लिए, चाय नाश्ता हो गया है रेडी और मेहमान भी आ चुके हैं। मेहमान कर रहे हैं नाश्ता यहाँ पे, तो चाची अभी पूरी बना रही है। तो अज्जू भाई अभी सब्जी लगा रहे हैं उनके लिए। अज्जू भाई क्या क्या चाहिए आपको? चम्मच चाहिए क्या? तो नाश्ता के लिए गए। अज्जू भाई काफी शानदार सर्विस करते हैं, काफी अच्छी सर्विस करते हैं अज्जू भाई। राजू भाई पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं। जो दे करो शुरू। गाइस नाश्ता हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। वहाँ पे आज भी मजदूर लगे हैं काम करने वाले, तो कितना क्या हो रखा है वहाँ, ईट वीट कम पड़ेंगे तो उनको लाना है। तो ये जाएगा पीछे से लेके आ जाएगा, 15-20 मिनट लग जाते मुझे चढ़ाई लगती ऊपर नीचे जाने में। तो गाइस मैं पहुँच चुके हैं रूम पे, यहाँ तो लगा ही है काम। गाइस खाना खा के ऊपर आ गई मैं, फिर से अभी नीचे गई थी और खाना खा के जस्ट आई हूँ, और सामान फिर से आ गया है, ईंट और सीमेंट वगैरह जो भी चाहिए था। तो वो नीचे रोड यहाँ से मेरे घर से इतनी दूरी में दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस ईंट भी आ चुकी हैं और सीमेंट और रेती भी वहीं है नीचे रोड पे। ये गाड़ी आई है लोडिंग की, और सामान मैंने, ये हमारे रूम है नीचे, दुकान बने हैं तो यहाँ अपना सामान रखा है सारा। यहाँ से इस तरफ से है रास्ता, ये पहाड़ों का रास्ता हमारा ऐसे ही रहता है। ऊपर वाले बरामदे में बना रखा है मसाला, और नीचे भी बना रखी है पूरा ऐसे। गाइस ये ऊपर की छत है, यहाँ ये पीछे वॉशरूम बने, इसीलिए हमारी दीवार गिर चुकी है। अभी तो फिलहाल ऊपर पहुंच चुका है पूरा काम, आधे ही डलवा लिए मैंने यहाँ पे, और आधे तो अभी नीचे आंगन में ही है। अभी लोग भी जाएंगे, छुट्टी का टाइम हो गया इनका, सब गांव वाले ही लेके आ गए। हाँ जी, नाश्ता खाने कैसे?
गैस मैं पहुंच चुकी हूँ रूम पे। आज तो ऊपर का ही पलस्तर हो रहा, अभी नीचे वाले रूम की सफाई भी करनी है। कल का दिन और ही लगेगा काम में, शायद ऐसा लग रहा है आज भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा काम। तो ऊपर चल रहा है अभी पलस्तर, यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं मसाला वगैरह। यही काम हो रहा है अभी, धूप तो खैर है अभी अच्छी। धूप जैसे ही डाउन होती है वैसे इतनी ठंडी हवा स्टार्ट हो जाती है, दिन भर हवा ही रह रही है, फिर भी शाम को तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रही है। गैस अंदर का काम दिखाती हूँ मैं आपको। तो गैस शाम के 4 बज चुके हैं, काम तो अभी भी काफ़ी बचा ही हुआ है, कल का दिन और पूरा ही लगना ही है। और जाना भी है मुझे क्योंकि बच्चे वहाँ अकेले हैं। मिस्टर जी और बच्चों के भी आफत आई है क्योंकि वो खाना पीना घर में ही बना रहे, मेस का खाना उनको अच्छा लग नहीं रहा है। और मिस्टर जी ड्यूटी जाते हैं इसलिए उन्होंने वापसी वाला रिजर्वेशन तो कैंसिल कराया, नहीं तो आज जाना था मुझे और ये कैंसिल करा दिया है। और बाकी ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।